हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बताइएगा जरूर। दांत सही है? हाँ, मेरा दांत सही हो गया। कहाँ दांत सही हो गया, दांत निकालना पड़ेगा। डॉक्टर बोला कि दांत पूरा खराब हो गया है। देखिए उसका दांत वाला दांत खींच के निकालेंगे। अब यहाँ से पूरा खराब हो चुका है। बोला है कि जो यहाँ पे है पूरा खराब हो गया है, यहाँ पे मवाज भर गया है। डॉक्टर दवा दिया है, लग रहा है कोई लकड़ी जलाया है। यहाँ देखिए, इसको देखिए क्या कर रहा है। बहुत बदमाश हो गया है। बोलो नमस्ते। बोलो जी, अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग नहीं आता है, नहीं बोल रहा है। देखिए मोबाइल किस तरीके से लेकर के चला रहा है। चला बोलो वन। और दोस्तों, हम आप लोग कोई पढ़ा नहीं है देखा दिला। आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं? टू थ्री फोर फाइव फाइव। और यहाँ देखिए हम कुछ बनाने जा रहे हैं। आप लोग बताइए हम क्या बनाने जा रहे हैं। फाइव कमेंट करके बताइए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं मटर का। तो चलिए हम भी बता देते हैं, आप लोग कमेंट बाद में करिएगा। आज हम जा रहे हैं फरा बनाने, इसको मटर का फरा। इसको पीसेंगे कच्चा, और ये छोटा वाला दाना है जो छोटा छोटा निकला है, इसका निमोना बनाएंगे सब्जी। आलू डालेंगे और इसको मटर को पीस के डालेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे, आप लोग ऐसे ही ब्लॉगिंग में बने रहिएगा। देखिए ना, ये जो है ना मटर पीसोइए तो दिखा रहा है। आज मत बोलिए ये क्या बात है, कुछ नहीं। मटर लेके करा पीसी। सुधा रानी का काम मटर पीसने का, लड़का करा लाओ हम पीसी। क्या कर रहे हो? मसाला मटर पीसा है उसको बनाने के लिए थी, कर दा हम पीसी। तन्नी पूरी का भी 2 साल का पीता हुआ, कर दा हम पीसी। ठीक है दोस्तों, हम चल अपना काम कर रहे हैं, अपना बना बना रही है। ये देखिए, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए हम पीस के रेडी कर लिए हैं। ये है निमोना का और ये है फारा का। इसमें भी मसाला पड़ता है, इसमें भी है जीरा लहसुन मिर्चा अदरक सब कुछ है, इसमें भी वही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए एक पेड़ हरा धनिया है। अभी हम इसको धुल के काटेंगे। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, 2 ठू आलू काटेंगे। अभी देखिए आलू ऐसे ही है, धुले हुए नहीं है। इसको हटा लेते हैं, धुला हुआ आलू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम आलू काट लिए हैं। आलू है और प्याज है। चलते हैं हम बनाते हैं। आटा ठंडा पानी में नहीं सनाता है, इसलिए हम गर्म करेंगे इसको। हाँ, यहाँ देखिए हम पानी गर्म कर रहे हैं। तो चलिए हम आटा निकाल लेते हैं, बस थोड़ा सा ही है। इसको हम पुरा लेंगे, इसमें इतना बहुत है। घर तो मम्मी दी थी तो ले आए थे, सास के घर पे तो दी थी, तो यहाँ पे आटा। हमें लगा थे कि आटा थोड़ा कम है, लेकिन आटा बहुत है, बनाने भरी है बहुत है। थोड़ा सा चावल भी चढ़ाएंगे। ये रहा, यहाँ पे पानी चढ़ाए हैं, अभी गर्म नहीं हुआ है। जब ये खौलने लगेगा तो अच्छे से आटा सनाएगा इसका। यहाँ पे तेल ले आए थे, तेल खत्म हो गया है, देख ही सकते हैं। तो हम ये तेल जा रहे हैं, तब तक ये खाली कर दे रहे हैं, डब्बे में रख दें। यहाँ देखिए तेल जो है डब्बे में रख देते हैं। हम ऐसे ही लगा के रख देते हैं कि जो इसमें का तेल रहेगा वो सारा निकल के डिब्बे में चला जाएगा। तो इसको साइड कर देते हैं, किसी का पैर लग जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पानी गर्म हो चुका है, तो हम आटा सान लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे देखिए पानी खोल रहा, थोड़ा सा और उबाल फेंक दे तो हम इसको उतार के आटा सानते हैं। और देखिए पानी कितने अच्छे तरीके से उबल गया, अब इसको नीचे उतार लेते हैं।
नया चावल का आटा है। यहाँ पे देखिए आटा हम सान लिए हैं, अब चलते हैं आगे का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हम कढ़ाई गैस जला दिए हैं, यहाँ पे भगोना में पानी रख दिए हैं उबलने के लिए, और यहाँ पे कढ़ाई, और इसमें देखिए हम एक चम्मच नमक ले लिए हैं, चलते हैं हम फेंट लेते हैं। इधर सब्जी छौंक देते हैं, साफ क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या। यहाँ पे देखिए हम जो मटर पीसे हुए थे उसको अच्छे तरीके से हमें इसमें हींग वगैरह डाल के प्याज का तड़का लगा करके हम बना रहे हैं। इधर हम फरा बना रहे हैं, देख सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ देखिए हमारा फरा जो है थोड़ा ही हुआ जितना पीसे थे, और पूरा आटा यहाँ पे बच गया, तो हम इसका पूरी निकाल देते हैं चावल का आटा का। और ये रहा देखिए सब्जी, अभी हम पूरी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम तेल डाल दिए हैं, चलते हैं पूरी बेल लेते हैं। चावल का पूरी देखिए कितना अच्छा है, गोल्डन गोल्डन निकल रहा है, सुंदर सुंदर अब फूला है बहुत ही अच्छे तरीके से।